Hello, I welcome you all. I am here to discuss a very important and relevant topic, social media, the emergence of social learning. Okay, first of all, we have to know what social media is. So, there is definition of social media by Kaplan and Hindley. They have defined social media as a group of internet-based applications that build on the pedagogical and technological foundations of Web 2.0 and that allow the creation and exchange of user-generated content. मतलब सोशल मीडिया क्या है, किसको हम सोशल मीडिया कह सकते हैं कि इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस का ऐसा समूह जो किस पर आधारित है, वेब 2 के पेडागॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशंस पर आधारित है, हैं, जो क्या करता है, दैट अलाउ द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब जो कि अनुमति देता है कि हम निर्माण कर सकें और एक्सचेंज कर सकें, कैसे कंटेंट का, यूजर जनरेटेड, जिसको उसके यूज करने वाले जनरेट कर सकते हों, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि इसमें वेब 2.0 के टेक्नोलॉजिकल और पेडागॉजिकल फाउंडेशंस पे बेस्ड इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस को सोशल मीडिया का नाम दिया गया है, और चूंकि क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ यूजर जनरेटेड कंटेंट है इसीलिए सोशल, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं इसलिए सोशल मीडिया हो गया, ठीक। तो अब हमको ध्यान देने की बात ये है कि अब ये वेब 2.0 है क्या, हमें ये पता होना चाहिए कि वेब जो है वो कई चरणों से होते हुए आज वेब 4.0 की स्टेज पर है। कहीं कहीं वेब 5 की भी बात हो रही है लेकिन मेनली वेब 4। तो वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 और वेब 4.0। तो वेब 2.0 पे क्या था, वो ऐसी स्टेज है डेवलपमेंट की, इंटरनेट के डेवलपमेंट की वो स्टेज जहां पर वेब पेजेस जो थे उसके पहले क्या थे, वेब 1 में क्या थे, स्टैटिक, और वेब 2 में क्या है, डायनेमिक। जैसे सब लोग जानते हैं वेब 2 का बहुत अच्छा एग्जाम्पल विकिपीडिया है, क्यों, क्योंकि कोई भी का मतलब भले हम उसको एडिट कर देते हैं लेकिन उसको पहले उसका इंजन सर्च करता है गूगल, और फिर उसके बाद अगर उसको सही पाता है तभी उसको अनुमति देता है कि उसको चेंज कर सकता है, लेकिन कर कोई भी सकता है चेंज बहुत सारी वेबसाइट्स पे, बहुत सारे पेजेस को। इसीलिए ये वेब 2 का एक अच्छा उदाहरण समझा जाता है। तो वेब 2.0 क्या है, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट कैरेक्टराइज्ड स्पेशली बाय द चेंज फ्रॉम स्टैटिक वेब पेजेस टू डायनेमिक और यूजर जनरेटेड कंटेंट एंड द ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया। मतलब कि ये दूसरा चरण है जिसमें कि वेब पेजेस क्या हो गए, स्टैटिक यानी कि जो स्थिर थे, जो लिख दिया गया वही लिख दिया, कोई उसमें चेंज नहीं कर रहा है, वहां से वहां पर आ गया चेंज होकर, ताकि हम आप उसमें चेंज कर सकते हैं। और ये डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस से ली गई है, ठीक। अच्छा, अब अगर हम सोशल मीडिया को पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम उसका क्लासिफिकेशन कैसे पहले करें कि किन हेड्स के तहत वो पढ़ी जाएंगी, तो बहुत सारे तरीके से हमें उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे कि सोशल नेटवर्किंग है वो साइट जिस पर कि हम सोशली कनेक्टेड होंगे, किन से, जो हमारे फॉलोअर्स हैं या जो हमारे कलीग्स हैं या जो हमारे कोलैबोरेटर्स हैं या हमारे प्रोफेशनल मित्र हैं, उनसे अगर हम नेटवर्क किंग साध सकते हैं तो वो जगह क्या है, वो प्लेटफॉर्म क्या है, सोशल नेटवर्किंग। जैसे कि फेसबुक, कौन नहीं जानता है फेसबुक क्या है, है ना, बच्चा फेसबुक जानता है और फेसबुक पे अपलोड करता है फोटोग्राफ्स, इमेजेस, टेक्स्ट, कोई टिप्पणी करता है। लिंक्डइन मेरे लिए प्रोफेशनल है। हाँ, मीडिया शेयरिंग, वो प्लेटफॉर्म जिस पर हम मीडिया शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो शेयर कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब। दुनिया की मुझे तो लगता है कि हर चीज अब YouTube पे आ गई है, आपको कैसे ब्रश करना चाहिए से लेकर आप कठिन से कठिनतम चीज, वो सब कुछ YouTube पर है ना। Vimeo, Picasa, ये थोड़े से लेस पॉपुलर है पर YouTube बहुत पॉपुलर है। उसी तरह से डॉक्यूमेंट शेयरिंग, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के तहत, तो स्लाइड शेयर है, प्रेजी है, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव बहुत फेमस है आजकल, सब लोगों को गूगल ड्राइव और गूगल ड्राइव की लिंक के बारे में पता चल गया है। लाइव कम्युनिकेशन यानी कि
जैसे कि लाइव या वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है जहाँ लाइव आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, स्काइप और वाइबर इसके एग्जाम्पल हैं। कोलेबोरेशन, जहाँ पर हम सोशल मीडिया यानी कि सोसाइटी यानी कि जो भी पीपल है, जो हमारा इर्द गिर्द का हमारा सिस्टम है उसके संग अगर हमको कोलेबोरेशन करना है, वो कौन से प्लेटफॉर्म, उसके प्लेटफॉर्म के लिए गूगल ड्राइव और जो हो, जिसमें से जो हो अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। और ब्लॉगिंग एंड माइक्रो ब्लॉगिंग, यानी कि हम ब्लॉग लिखे जाते हैं, लोग अपने ब्लॉगर्स होते हैं, है ना, वो ब्लॉग क्रिएट करते हैं, तो ये सब किस पर चलता है, एजू ब्लॉग और ट्विटर पे। यानी कि ये मेन हेड्स हैं जिनके तहत हम सोशल मीडिया का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। अच्छा, ये सब जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया ये सब कुछ हम लोग जानते हैं, पर ज्यादातर लोग उसके बारे में विशेष नहीं जानते, इसलिए सब जानना हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, ये बात थोड़ी सी नई है, हम लोग इन जनरल इसका इस्तेमाल नहीं करते। एफोर्डेंसेस ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया हमको क्या एफोर्ड करने की अनुमति देता है, वो क्या चीज हमको जो प्रोवाइड करता है सोशल मीडिया, हम जानते भी नहीं, हमारा ध्यान भी नहीं देते वो क्या क्या है। Affordances of social media is provided by Butcher T and Helmand A in 2018. मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी रिसेंटली 2018 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, The Affordances of social media platforms. वहीं से हमने ये सोशल मीडिया के affordances लिखे हैं। और सॉरी, Donald Norman, इन्होंने कैसे डिफाइन किया affordances को, define affordances as the perceived and actual properties of the thing, primarily those fundamental properties that determine just how the thing could possibly be used. यानी कि कुछ तो उसकी perceived properties है, मतलब जैसे हमने और आपने अनुभूत किया है, और कुछ उसकी actual property है, और वो fundamental property जिससे कि ये पता चल सके कि वो चीज किस सीमा तक use की जा सकती है, ठीक है? Sorry. तो सबसे ये जो भी हमने लिया है, ये सब बुचर टी एंड हेलमेंट ए का ही बताया हुआ है। ये कह रहे हैं कि अफोर्डेंसेस इज ए रिलेशनल प्रॉपर्टी, और क्या कह रहे हैं, परसीव्ड अफोर्डेंसेस, टेक्नोलॉजी अफोर्डेंसेस, सोशल अफोर्डेंसेस और कम्युनिकेटिव अफोर्डेंसेस। तो अफोर्डेंसेस इज ए रिलेशनल प्रॉपर्टी में क्या है कि एन अफोर्डेंस इज कंसीव्ड ऑफ एज अ रिलेशनल प्रॉपर्टी, वन दैट पॉइंट बोथ द वेज टू द एनवायरमेंट एंड टू द ऑब्जर्वर, यानी कि रिलेशनल है, सापेक्षिक गुण है। सापेक्षिक गुण का मतलब कि इन्वायरमेंट भी इफेक्ट हो रहा है और ऑब्जर्वर भी इफेक्ट हो रहा है, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इफेक्ट हो रहा है और वो जो इंडिविजुअल है वो भी इफेक्ट हो रहा है। फिर परसीव्ड अफोर्डेंसेस, मतलब अफोर्डेंसेस आर ऑफ लिटिल यूज इफ दे आर नॉट विजिबल टू द यूजर्स, यानी कि हमको वो पता चलना चाहिए कि वो उसका अफोर्डेंस, अगर हमको वो पता ही नहीं चल रहा है, हमको वो दिख नहीं रहा है, हमको वो अनुभूत नहीं हो रहा है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी अफोर्डेंसेस, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड डिफाइंड विद रेस्पेक्ट टू पीपल्स इंटरेक्शन विद इट, यानी कि कितना टेक्नोलॉजी का हमको अफोर्ड करने की अनुमति देता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपको पता होगा कि पूरा शायद हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते करते ही टेक्नोलॉजी सीख गए, है ना। सोशल अफोर्डेंसेस, मतलब सोशल स्ट्रक्चर्स दैट टेक शेप इन एसोसिएशन विद अ गिवन टेक्निकल स्ट्रक्चर, या इसको आप इस शब्दों में समझ सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर में कितने चेंज का अफोर्डेंस दे रहा है, कितने चेंज की अनुमति दे रहा है। तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हमारी सोसाइटी का और सोशल स्ट्रक्चर सब बदल दिया, ये सब लोग जान गए ना। फिर कम्युनिकेटिव अफोर्डेंसेस, मेनली यूज्ड इन रिसर्च ऑन मोबाइल मीडिया, इट फोकसेस स्पेसिफिकली ऑन द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को कैसे बदल दिया, सब कुछ बदल गया है, पूरा संचार का माध्यम ही बदल दिया है सोशल मीडिया ने। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पांच जो अफोर्डेंसेस हैं वो सोशल मीडिया हमको प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, रिलेशनल प्रॉपर्टी, परसीव, टेक्नोलॉजी, सोशल एंड कम्युनिकेटिव। फिर पेडागॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल मीडिया, यानी कि वो कौन से हमारे शैक्षणिक सिद्धांत हैं जो कि सोशल मीडिया पर आधारित है, मतलब जिन पर सोशल मीडिया आधारित है। तो कह रहे हैं कि एंडरसन टी एंड रॉन जे ने 2011 में लिखा है, क्या लिखा है, थ्री जनरेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन पेडागॉजी। उन्होंने कहा है कि जो हमारी डिस्टेंस एजुकेशन की पेडागॉजी है वो तीन जनरेशन से होकर गुजरी है। कौन कौन सी, पहला वो कहते हैं बिहेवियरिस्ट और कॉग्निटिव पेडागॉजी, दूसरा कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी, और तीसरा जो पेडागॉजिकल प्रिंसिपल हमारे
न्यू फाउंड सोशल मीडिया का बना हुआ है वो है कनेक्टिविस्ट पेडागॉजी। हम सभी लोग बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म जानते हैं, कनेक्टिविज्म थोड़ा सा नया है। तो बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म पे एक स्मॉल रिकैप क्या है कि बिहेवियरिस्ट का क्या है, द सेंट्रल बिलीफ ऑफ बिहेवियरिस्ट पेडागॉजी इज दैट स्टूडेंट्स लर्न थ्रू रीइंफोर्समेंट। हम सब लोग जानते हैं बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद, व्यवहारवाद मतलब हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सारी थियरीज पढ़ते हैं। तो ये सब हमको क्या कहता है, री इन्फोर्समेंट की याद दिलाता है कि व्यक्ति वह व्यवहार करना सीख जाता है जिसके बाद उसको पुनर्बलन मिलता है। अगर पुनर्बलन मिलता है तो वो काम करना सीख जाता है, नहीं मिलता है तो फिर उसको नहीं सीखता है या वो स्ट्रेंथन नहीं होती है उसकी बॉन्डिंग। जबकि कॉग्निटिव पेडागॉजी क्या कहती है, व्हाइल कॉग्निटिव पेडागॉजी बिलीव्स दैट हाउ वन थिंक्स लार्जली डिटरमाइंस हाउ वन फील्स एंड बिहेव्स। मतलब यहाँ पे पहली बार संज्ञान का ब्रेन, मेंटल स्ट्रक्चर, स्कीमा, ये सारी बातें कॉग्निटिविज्म लेकर आया हमारे लिए। और उसने कहा कि नहीं नहीं सिर्फ एस आर बॉन्ड नहीं है बल्कि क्या है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जैसा हम सोचते हैं उसी तरीके का हम फील करते हैं, उसी तरीके का हम बिहेव करते हैं। इस पर हमारा सोशल मीडिया था या हम कह सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन पेडागॉजी वाली इस पर डिपेंडेंट थी। फिर धीरे धीरे अपग्रेड होकर वो आगे किस पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी पे। कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी क्या कहती है, इट्स सेंट्रल थॉट इज दैट इंडिविजुअल्स क्रिएट देयर ओन न्यू अंडरस्टैंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन वॉट दे ऑलरेडी नो एंड बिलीव एंड आइडियाज एंड नॉलेज विद विच दे कम इन टू कॉन्टैक्ट। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी कहती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी छात्र हैं, वो सब अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं अपनी समझ के हिसाब से। किस कौन सी दो बातें हैं जिस पर ये ज्ञान का निर्माण निर्भर करता है, एक तो वो जो कि वो सीख रहे हैं और दूसरा वो जो सीख कर आए हैं, मतलब उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है और जो प्रेजेंट नॉलेज उनको मिल रही है, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे मिलकर उनका कंस्ट्रक्शन हो जाता है किसका, नॉलेज का। और फिर लेटेस्ट जो कनेक्टिविस्ट पेडागॉजी है जो सोशल मीडिया के लिए जिम्मेदार है, वो कह रही है कि इट इज ए पेडागॉजिकल मॉडल डिवाइस बाय जॉर्ज सीमेंस एंड स्टीफन टाउन्स दैट प्रमोट्स ग्रेटर इंटीग्रेशन, डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉलेज थ्रू नेटवर्क्स। यानी कि यहाँ पे नेटवर्किंग जरूरी है, नेटवर्क और इंडिविजुअल के बीच का कनेक्शन जरूरी है, और इसीलिए इसका नाम कनेक्टिविस्ट पेडागॉजी दिया गया है। यानी कि वो कनेक्शन जो कि हमारे आपके और हमारे नेटवर्क के बीच में है, वही ज्ञान के उत्पन्न होने का, ज्ञान के निर्माण का कारण है, और इसीलिए इस पेडागॉजी को कनेक्टिविज्म नाम दिया गया। फिर प्रॉमिसेस ऑफ सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया हम क्यों कह रहे हैं कि सोशल मीडिया द इमर्जेंस ऑफ सोशल लर्निंग, क्या सोशल मीडिया से लर्निंग हो रही है, क्या सोशल मीडिया से किसी नए प्रकार की सोशल लर्निंग हमको हो रही है। तो इन सब के लिए हमको देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया क्या क्या हमको प्रदान करता है, मतलब क्या क्या उसने हमसे वायदे किए या क्या क्या उसके लाभ हैं, क्या क्या वो हमको दे रहा है लर्निंग के क्षेत्र में। सबसे पहला क्या है, क्रिएट्स नॉलेज, है ना, ज्ञान का निर्माण करता है और वाकई ज्ञान का निर्माण करता है, हमने आपने सबने अनुभव किया है, है ना। दूसरा इंगेजेस द इंडिविजुअल, हम हमेशा पेडागॉजी में बात करते थे, एजुकेशनल साइकोलॉजी में बात करते थे कि हमको छात्रों को इंगेज रखना है, अगर छात्र इंगेज रहेगा तो वो बेहतर सीखेगा, और सोशल मीडिया ये काम बखूबी करता है, वो इंडिविजुअल को इंगेज रखता है। और अब तो हम आप जानते हैं कि इतना इंगेज हो गया है कि जैसे इंगेजमेंट की जरूरत पड़ गई है सोशल मीडिया से, है ना। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज नॉट एट ऑल सो कॉस्टली, बहुत सारी चीजें तो गूगल ऐप से हमको, यूट्यूब तो हमको मिलता ही है, डाउनलोडेड हुआ फेसबुक इन सब के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ रहा है ना, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो है। इनकरेजेस एक्टिव लर्निंग, यानी कि हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर इंडिविजुअल एक्टिवली इन्वॉल्व है यूजर जनरेटेड कंटेंट के निर्माण में, इसलिए उसकी लर्निंग जो है एक्टिव है। और हम हमेशा से कंडेम करते आए हैं कि लर्निंग पैसिव नहीं होनी चाहिए, छात्र को पैसिव नहीं होना चाहिए क्लास में। फिर इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लर्निंग, हम सब जानते हैं कि फॉर्मल लर्निंग क्या है, वो लर्निंग जो हम एक क्लासरूम के अंदर सीख रहे हैं, इनफॉर्मल लर्निंग क्या है, वो सब कुछ जो हम क्लासरूम के बाहर सीख रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया है इसने इस गैप को, ये जो अंतर था अंदर और बाहर का, उसको भर दिया है।
पार्ट दिया है। अब इनफॉर्मल क्या, फॉर्मल क्या, सोशल मीडिया से हर समय हर जगह क्लास के अंदर क्लास के बाहर सब कुछ हम सीख रहे हैं, और ये क्या एक नए प्रकार का सामाजिक अधिकरण है जो हमको मिल रहा है। फिर एड्रेसेस बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। जब हम एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, और ये भी पढ़ते हैं कि इनमें सामंजस्य होना चाहिए। ये ना होना कि व्यक्ति का विकास हो रहा है और समाज का विकास नहीं हो रहा है, या समाज का विकास तो हो रहा है व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा है। उसी प्रकार से ये सोशल मीडिया है वो एड्रेस करता है, संबोधित, मतलब एड्रेस करता है, संबोधित करता है किसको, दोनों को, वैयक्तिक आवश्यकताओं को भी और सामाजिक आवश्यकताओं को भी, मतलब उनकी तरफ देखता है, उनको पूरा करने की कोशिश करता है, और सपोर्ट्स क्रिएटिविटी, है ना, हमारे जो रचनात्मकता का क्षेत्र है उसको भी सहायता करता है, उसको भी सपोर्ट करता है। इंक्रीजेस सोशल प्रेजेंस, एक नया आजकल बात चलती है कम्युनिटी ऑफ इंक्वायरी, है ना, तो उसमें कई तरीके की प्रेजेंस की बात की गई, उसमें टीचर प्रेजेंस है, कॉग्निटिव प्रेजेंस है, और एक सोशल प्रेजेंस है, मतलब अगर छात्र सीख रहा है या छात्र को आप सिखाना चाह रहे हैं तो उसमें सोसाइटी या जॉन डीवी सोसाइटी लाए, और जब टीचर के पहले द्विध्रुवीय प्रक्रिया थी टीचर और स्टूडेंट, फिर ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया ट्राई पोलर प्रोसेस हो गया, उसमें कौन इंक्लूड हो गया, सोसाइटी तो इंक्लूड हुई, सोसाइटी या करिकुलम, क्यों, क्योंकि करिकुलम जो है वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। तो उसी सोशल प्रेजेंस को ये इंक्रीज करता है, कौन, सोशल मीडिया। इट प्रोवाइड्स टाइमली नोटिफिकेशन, हम सब जानते हैं कि इमीडिएट फीडबैक मिलता है तो हमारी लर्निंग जो है वो बढ़िया रहती है, तो इसीलिए ये जो इसमें भी मदद करता है सोशल मीडिया, टाइमली नोटिफिकेशन देता है। इंक्रीजेस एकेडमिक इंटीग्रेशन इन द रियल वर्ल्ड, यानी जो वास्तविक दुनिया है उसमें इसने एकेडमिक इंटीग्रेशन को जोड़ दिया है, बढ़ावा दिया है, ठीक। तो ये सारे वायदे हमसे सोशल मीडिया ने किए हैं, या आप कह सकते हैं कर रहा है, और ये भी कह सकते हैं कि बहुत हद तक वो इसमें सफल भी रहा है। फिर प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया से सोशल लर्निंग हो जानी चाहिए बेहतर तरीके से, प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया के कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या है, पहला, ग्रोइंग डिस्ट्रस्ट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें लोगों का अविश्वास भी बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी तरीके की साइबर हैकिंग है, डेटा लीकेज है, और भी पता नहीं क्या क्या है, गलत पोस्ट र्यूमर फैल जाते हैं, तेजी से वायरल हो जाते हैं, है ना, इस तरीके की बहुत सारी मिस हैपनिंग्स हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए, और अगर वो ना हो तो इट कुड बी अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। फिर क्या है, लैक ऑफ टीचर कंट्रोल। अगर हम टीचर और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शिक्षक का नियंत्रण नहीं है, शिक्षक का नियंत्रण नहीं है कि कौन, अगर मान लीजिए कुछ नहीं तो हमने आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप ही बना रखा है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, है ना, और अगर हमने डिसेंट्रलाइजेशन को, डेमोक्रेसी को, और मोनोपोली खत्म करने के लिए हमने उसको ऑल मेंबर्स कैन सेंड मैसेज का सेटिंग दे रखा है, तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा कि कोई भी छात्र आकर उसमें कुछ भी लिख सकता है, नहीं? हम उस पर, क्योंकि अगर उसका स्वनियंत्रण, स्व डिसिप्लिन से वो हट गया तो वो कुछ भी गलत भी लिख सकता है वहां, तो ये कमी है इसमें। प्राइवेसी एंड डेटा ओनरशिप, प्राइवेसी नहीं, ग्रुप में क्या प्राइवेसी है ना, प्राइवेसी तो संभव ही नहीं है। और डेटा ओनरशिप, जब हम कहते हैं यूजर जनरेटेड कंटेंट, जब हम कहते हैं कोलैबोरेशन, जब हम कहते हैं शेयरिंग, तो ओनरशिप की बात आती है कि किसका नियंत्रण है, किसका स्वामित्व है, किसको दिया जाएगा वो, तो इसकी प्रॉब्लम है। फिर स्टूडेंट्स कैन चूज नॉट टू पार्टिसिपेट। मान लीजिए कि आपने कुछ पढ़ाया और आपने यही आपने असाइनमेंट दे दिया कि अब आप इस पर ब्लॉग बनाएंगे और सब लोग इस पर अपना रिफ्लेक्शन लिखेंगे। मान लीजिए कि आधे से ज्यादा छात्र लिख ही नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि छात्र ये चुन सकते हैं कि उनको भाग नहीं लेना है, प्रतिभागिता नहीं करनी है। ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, किया ये जाए कि when we look upon both the promises and drawbacks of social media for educational purposes, certainly there are much more positivity than shortcomings। यानी कि जब हम इसके फायदों को देखते हैं, जब इसके नुकसान को देखते हैं शैक्षिक उद्देश्यों के तहत, तो हम ये निश्चित रूप से कह सकेंगे कि इसके प्रोमिसेज या फायदे ज्यादा हैं। इफ वी कैन ओवरकम दीज, किसको, शॉर्टकमिंग्स को अगर हम ओवरकम कर सके, देन इट कैन डू वंडर्स फॉर लर्निंग, एंड दिस लर्निंग इज कॉल्ड सोशल लर्निंग। यानी कि तब ये बहुत एकदम आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है हमारे अधिगम में, हमारे अधिगम के स्तर में,
और इस अधिगम को सामाजिक अधिगम कहा जाएगा। लास्ट में हम अपनी बात खत्म करेंगे कि मार्क जुगरबर्ग, सब लोग जानते हैं किससे कनेक्टेड हैं, ने 2018 में बहुत अच्छा कुछ बोला है। क्या बोला इन्होंने? हैज राइटली सेड दैट व्हेन वी यूज सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद पीपल वी केयर अबाउट, यानी कि जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों से जुड़ने में जिनके लिए हम केयर करते हैं, इट कैन बी गुड फॉर अवर वेलबींग, ये हमारे पूरे वेलबींग के लिए अच्छा है। वी कैन फील मोर कनेक्टेड, हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं एक दूसरे से, एंड लेस लोनली, हमको अकेलापन नहीं लगता, एंड दैट कोरिलेट्स विद लॉन्ग टर्म मेजर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, यानी कि हम जानते हैं कि आजकल मेंटल हेल्थ का इश्यू इतना है, डिप्रेशन का इतना इश्यू है, काउंसलिंग है, और आप जानते हैं कि मन की बात कैथारसिस है ना, मन की बात अगर हम कह लेते हैं तो किसी सामने वाले ने सुन लिया तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है, हम खाली महसूस करने लगते हैं। तो उन सब में सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और कर भी रहा है। तो हमको चाहिए क्या कि जो भी इसकी कमी आ रही है, जो भी इसके चैलेंजेस हैं, उनको दूर करने की कोशिश करके इसको एक इतना पैरेलल कर दिया जाए शिक्षा के, कि बहुत कुछ हम सोशल लर्निंग से सीख सकें, और हर कोई जो पार्टिसिपेशन कर रहा है कोलेबोरेशन में, नॉलेज के जनरेशन में, उसको ये जिम्मेदारी का अनुभव होना चाहिए कि वो कितनी तेजी से चीजें वायरल हो जाती हैं, तो कोई गलत बात यहाँ ना पहुंचे, कोई विदाउट तथ्य, विदाउट डेटा, विदाउट फैक्ट वहां पे बातें ना पहुंचे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, जो सोशल मीडिया है, वो आज के जमाने में, आज के संदर्भ में, कोविड पैंडेमिक टाइम में जब सब कुछ बंद हो गया, किसी भी प्रकार का संचार साधन नहीं था हमारे पास, चिट्ठी नहीं आ जा रही थी, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, किसी से मिलजुल नहीं पा रहे थे, लेकिन ये सोशल मीडिया ही है जिसने हमें जिंदा रखा, जिसने हमें महसूस नहीं होने दिया, जिसने हमें अकेलापन नहीं महसूस होने दिया, जिसने हमें स्ट्रेस से बचा लिया, है ना। तो जरूरी ये है इसका सही दिशा में इस्तेमाल हो, तो निश्चित रूप से ये सामाजिक अधिगम के विषय में, सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देने के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक कि जो हम लोग सिर्फ बात करते हैं सोशल मीडिया उसके बारे में हम कुछ जान पाए होंगे कि सोशल मीडिया क्या है, क्यों सोशल मीडिया कहा गया, पेडागॉजिकल प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करता है, क्यों, उसके फायदे क्या हैं और उसकी कमियां क्या हैं, और अंत में हम निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।